नमस्कार, अब खबर जौनपुर से। क्षेत्र के मुस्तवाबाद फीडर पर दो दिनों से बिजली नहीं आने से ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विद्युत उपकेंद्र मछली शहर में रात 11 बजे किया घेराव। एसडीओ के काफी समझाने बुझाने के बाद लोग वापस लौटे। वहीं पर ग्रामीणों का आरोप है कि शुक्रवार शाम 4 बजे से ही फोन किया जा रहा है पर फोन नहीं उठा। त्रस्त आकर ग्रामीणों ने रात्रि में विद्युत उपकेंद्र मछली शहर का घेराव किया। स्थानीय निवासी संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि जेई ना तो कभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं और ना ही कभी क्षेत्र की समस्या को जानने के लिए क्षेत्र में दिखाई देते हैं। बात करें अगर लाइनमैन की तो कोई भी सरकारी लाइनमैन कभी दिखाई नहीं देता, ना ही किसी को पता है कि आज तक कोई भी सरकारी लाइनमैन मुस्तवाबाद फीडर पर है। वहीं पर मुस्तवाबाद फीडर पर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर 11,000 वोल्ट का जरर तार मात्र 4-5 फीट ऊंचाई पर ही है। नीचे किसान अपने पशुओं के भरण पोषण के लिए चारा चराने के लिए जाते हैं, जिसमें उनके मन में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर अधिकारियों की अनदेखी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर लाइनें मौत बनकर झूल रही हैं। गर्मी आते ही खूनी लाइनें लोगों की जान लेना शुरू कर देती है। आए दिन लोग करंट की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार होते हैं, फसलें भी आके हवाले हो जाती हैं। जर्जर विद्युत लाइनों पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। जर्जर तार खेतों के मुश्किल 4-6 फीट ऊंचाई पर झूल रहे हैं, इससे ग्रामीणों को हर समय जान का खतरा बना हुआ है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीण लगातार विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। गत वर्ष जर्जर तारों की चपेट में आकर लोगों की जान जाती रहती है। उक्त गांव निवासी अकरम अली ने कहा है कि इस मामले को लेकर हमने कई बार विभाग से शिकायत भी की, पर विभाग पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। त्रस्त आकर कल रात में लोगों ने मछली शहर उपकेंद्र का घेराव किया और एसडीओ के आश्वासन पर लोग बांध से वापस लौटकर अपने अपने घर आए। फीडर पर जर्जर तारों में 11,000 केवी करंट दौड़ रहा है। इस मन में जब जेई मछली शहर विकास यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अधिक रात होने की वजह से हमने कहा कि सुबह में लाइनमैन भेजकर दिखवा देंगे कहां से खराब है, बिजली और बन भी जाएगा। फिर भी लोग नहीं माने तो रात्रि 12 बजे सेल डाउन दिया गया, लेकिन फिर भी नहीं बनी लाइन और दो जो लाइनें चल रही थी वो भी खराब हो गई। जौनपुर से चैनडी लाइव के लिए जयप्रकाश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट।